नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पहले क्लिप में हम देखेंगे कि क्या होता है जब गोदी पत्रकार को उसका पेचेक नहीं मिलता। इस क्लिप में चहीते सुशांत जी का जमीर जागता दिखेगा आपको। को चुनौती दी गई तो फरलो देने के बचाव में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में ऐसी दलीलें दी जो हैरान करती। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि गुरमीत राम रहीम हार्डकोर प्रिजनर्स की कैटेगरी में नहीं आते। अब जरा इस शब्द को सुनिए, गुरमीत राम रहीम हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी में नहीं आता। हरियाणा सरकार के मुताबिक अगर गुरमीत राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल मान भी लें तो भी उसे फरलो का अधिकार है क्योंकि उसने जेल में कैद के 5 साल पूरे कर लिए। मतलब पहले तो मानने को तैयार नहीं कि आदमी हार्डकोर प्रिजनर है, वाह खट्टर साहब, और कह रहे हैं अगर मान भी लेके हार्डकोर है तो 5 साल तो रह लिया ना जेल में, अब दे दीजिए फरलो। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिल गई। 7 फरवरी को रोहतक जेल से बाहर आया, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव। समझ रहे बात को कि अचानक इतनी दरियादिली क्यों आई? 7 फरवरी को फरलो मिला, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव। अगले क्लिप में हम देखेंगे जब गोदी पत्रकार हिजाब के नाम पर बीजेपी की एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करती है तो एमएम के प्रवक्ता असीम वकार ने बिना कुछ कहे डिबेट छोड़ी। जब एक जाफरानी कुर्ता और जाफरानी लुंगी पहनने वाला आदमी ये सोच सकता है कि वो प्रधानमंत्री बनेगा तो एक हिजाब लगाने वाली, एक सिविलाइज्ड, एक बेहतरीन जिस्म को ढकने वाली महिला क्यों नहीं सोच सकती कि प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या भारत के संविधान में मना है? जब इंदिरा गांधी बन सकती है प्रधानमंत्री, इस्तेमाल किया जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, मैं ये ब्लेजर पहनी हूँ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझ में संस्कार, मैं लिहाज नहीं करती हूं किसी का। आपकी ये आपकी अपनी आजादी है, आप पहनो। नहीं तो आप, अगर ये मेरी आजादी है तो उन मुस्लिम बच्चियों की आजादी क्यों नहीं है? अगर ये मेरी ब्लेजर पहनने की आजादी है यहाँ बैठकर न्यूज पढ़ने की तो मुस्लिम बच्चियों की आजादी क्यों नहीं है? उसमें आप क्यों बीच में आ रहे हैं? आप परेशान को ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल परेशान हूँ। आप वहाँ अभी की बढ़ जाएगा आपका कलाम बनकर इस देश का पीएम बनो, राष्ट्रपति बनो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने धर्म के दायरे में बांटा। आपको ऐसा लग रहा है जब वो बच्ची कॉलेज में स्कूटी खड़ी करती है और हिजाब लगाकर पैदल चलती है क्लासरूम की तरफ, अपने कॉलेज की एंट्री लेती है तो जो 100-200 क्रिमिनल माइंडेड, आपने इंतजार नहीं किया। हाई कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट दखल करेगा। आपने इंतजार नहीं किया, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं सीधे बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला के पास जाती हूं। शहजाद जी, आपको क्या समझ में आता है? अभी इन्होंने जो मेरे से डिबेट की है उसी के जरिए अपनी बात की। रीमा जी, बात तो ये होनी चाहिए कि जो किताबी मतलब शिक्षित और काबिल महिला है उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वकार साहब, आप नाराज मत होइए, आप इस तरीके से माइक निकाल रहे हैं। वकार साहब, आप एक बार सुनिए तो सही, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब तो हम लेंगे। अभी आगे और भी बेइज्जती बाकी है। इसी डिबेट के दौरान फीमेल प्रवक्ता ने बताया कि आज के आधुनिक समय में भी हम हिजाब और हिंदू मुसलमान पर वार्तालाप कर रहे हैं और टीवी डिबेट कर रहे हैं। रीमा जी, मैं पहली चीज तो बताऊं कि इतना तल्ख डिबेट है तो थोड़ी सी बात ये करते हैं कि हम बासी दाल में तड़का लगाकर कितने दिन खा सकते हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा कहा है। तो जब बीजेपी की मुख्य टीम का हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सफल नहीं हुआ तो अब टीम बी को लगा दिया है। अरे भाई, देश में हिजाब और घूंघट मेनस्ट्रीम के मुद्दे थोड़े हैं, लेकिन क्या दिन आए हैं कि आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल को, आपके जैसी प्रतिभाशाली एंकर को और मेरे जैसे जिम्मेदार नागरिक को इस पे बात करनी पड़ रही है। थोड़ा सा संयम बरत कर एक ऐसे बात कीजिए जैसे लोग देखने वाले देखेंगे। हाँ, दो शरीफ लोग बात कर रहे हैं। हाँ, देखने वाले ये ना कहेंगे साहब आसिम वकार तो बहुत शरीफ आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छी तरह से बात कीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए भी मेरे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।